तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं ओप्पो का एक नया फ़ोन ओप्पो A53 के बारे में। तो हाँ दोस्तों, ये फ़ोन को जो ओप्पो ने कुछ दिन पहले लॉन्च करा है, 3-4 दिन हो रहा होगा, तो हम थोड़ा सा पीछे हैं, मैं जान रहा हूँ दोस्तों, लेकिन क्या करें, हमारे नोट 20 अल्ट्रा आ गया तो उसका भी वीडियो बनाना था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो बात बाकी दोस्तों, हमारे चैनल पे नोट 20 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग वीडियो आ गया है और साथ में इस फोन को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो आगे चल के आने वाला है। तो ऐसे में आप अगर नोट 20 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। तो जो भी है, इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले ओप्पो के नया फोन ओप्पो A53 के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि फोन कैसा फोन होने वाला है, फोन अच्छे फोन है कि नहीं, फोन का प्राइस क्या रखा गया है, फोन के द्वारा ओप्पो ने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फोन जो वैल्यू फॉर मनी फोन है कि नहीं, सारी चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले ओप्पो के नए फोन ओप्पो A53 के बारे में। दोस्तों ऐसे में सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, फोन के डिजाइन के बारे में। तो ऐसे में फोन में आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन, मतलब फोन का जो बॉडी है ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको तीन कैमरा का सेटअप मिलता है। तो ऐसे में तीनों कैमरा को ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में ऐसे बॉडी के लिए फिक्स करा गया है, जिसका बगल में आपको देखने को मिलता है LED फ्लैश। तो ऐसे में कैमरा एरिया के चारों तरफ आपको जो है ब्लैक कलर का एक लेयर देखने को मिल जाता है, और कैमरा सेटअप के नीचे आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो बातें कर लेते हैं फोन का सामने तरफ की। तो दोस्तों फोन के सामने में आपको 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है 5 होल। तो ऐसे में 5 होल को डिस्प्ले के ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में फिक्स करा गया है, और साथ में डिस्प्ले के चारों तरफ दोस्तों बेजल्स काफी कम छोड़ा गया है, और डिस्प्ले के नीचे में आपको थोड़ा सा चिन्ह देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें फोन का लुक की, फोन का डिजाइन की, दोस्तों फोन जो है काफी अच्छे दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। तो अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड, मतलब फोन का जो बॉडी है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर ग्लास होता तो सबसे बेहतर होता, बात बाकी ठीक ठाक है, प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बातें कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो ऐसे में जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, फोन में आपको 6.5 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है 5 होल। साथ में फोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये एक IPS डिस्प्ले होने वाला है। साथ में फोन का डिस्प्ले में आपको HD+ के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। साथ में इस फोन का डिस्प्ले में आपको जो है 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें फोन का डिस्प्ले की दोस्तों, यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से फुल HD+ रेजोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन फोन का डिस्प्ले में आपको HD+ रेजोल्यूशन ही मिलता है, फुल HD+ नहीं मिलता है। 90Hz का डिस्प्ले है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन भाई IPS डिस्प्ले जब है यहाँ पे, तो आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देना चाहिए था, क्योंकि भाई इस प्राइस पॉइंट में हम लोगों को दूसरा कंपनी का फोन में फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बात करें फोन का डिस्प्ले के दोस्तों, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था मेरे ख्याल से। यहाँ पे अगर 90Hz का चक्कर में ना पड़ के फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ साथ सुपर एमोलेड एमोलेड होता तो सबसे बेहतर होता, बात बाकी IPS है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ होना चाहिए था। तो चलिए बातें कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो फोन में आपको देखने को मिलता है कोलकम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। साथ में आपको देखने को मिलता है एडिनो 610 GPU। और अगर बात करें फोन की अंतुत स्कोर की, तो दोस्तों फोन का जो अंतुत स्कोर है ना, वो हो गया 1,37,000 के आसपास। साथ में फोन में आपको EOPS 2.1 टाइप का स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, और LPDDR4X रैम का सपोर्ट दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रोसेसर की दोस्तों, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से और भी अच्छे प्रोसेसर यहाँ पे जरूर होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई इस प्राइस पॉइंट में इससे कई गुना अच्छे प्रोसेसर वाले फोन हम लोग को देखने को मिल जाता है ना। 720G आपको देखने को मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट में दूसरा कंपनी का फोन में। लेकिन अगर बात करें इस फोन की, तो भाई यहाँ पे आपको 4 सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, नया प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों दमदार नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे पबजी को खेल लेंगे, लेकिन एकदम लो सेटिंग में खेलना पड़ेगा, फिर भी आपको कभी कभी फ्रेम ड्रॉप का सामना करना पड़ेगा, तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। बात बाकी डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब नॉर्मल यूज में दोस्तों उतना दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे कि मान के चले खाली फोटो खींचेंगे, फोटोज देखेंगे, वीडियो शूट करेंगे, या दोस्तों ब्राउजिंग वगैरह करेंगे, मतलब नॉर्मल यूज में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर अच्छा जरूर होना चाहिए था, और आप अगर एक हैवी यूजर है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि भाई प्रोसेसर जो है उतना अच्छा नहीं होने वाला है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं फोन के कैमरा के बारे में। तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको देखने को मिलता है 3 कैमरा के सेटअप, जिसका मेन कैमरा हो गया 13 मेगापिक्सल का, बाद में दोनों कैमरा जो है 2-2 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो ऐसे में जो 13 मेगापिक्सल वाले कैमरा है दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलता है f2.2 का अपर्चर, और जो 2 मेगापिक्सल वाले 2-2 कैमरा है ना, दोनों में आपको f2.4 का अपर्चर देखने को मिलता है, जिसमें से एक हो गया आपका माइक्रो लेंस, दूसरा हो गया डेप्थ सेंसर। बाद में फोन का कैमरा
से आप जो है दोस्तों फुल एच डी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, 4K नहीं कर पाएंगे। आपको जो है फुल एच डी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलेगा फोन का कैमरा में। साथ में फोन का कैमरा में आपको जो है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, ऐसे कई सारे मोड देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब सब जो अच्छे खासे फोटोग्राफी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बातें करें फोन का मतलब कैमरा का फोटोज क्वालिटी की, तो दोस्तों उतना अच्छा नहीं है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों दूसरा कंपनी का फोन का जो कैमरा है ना, वो जो है इससे कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस करके दे देता है। तो जो भी है फोन का जो बैक कैमरा है ना, मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मतलब कुछ ऐसे डिटेल्स आपको उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, कुछ धुंधला सा मतलब अजीब सा मतलब कर देता है फोटो को। तो चलिए बातें कर लेते हैं फोन का सेल्फी कैमरा के। दोस्तों फोन में आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसमें आपको देखने को मिलता है f2.0 का एपर्चर। साथ में फोन का सेल्फी कैमरा से भी आप जो है दोस्तों फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और पोर्ट्रेट ब्यूटी मोड फोन का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो फोन का जो सेल्फी कैमरा है मतलब ठीक ठाक होने वाला है। तो मतलब फोन का जो कैमरा है ना दोस्तों, मतलब ठीक ठाक होने वाला है। मतलब एक होता है ना कि ओप्पो का फोन का जो कैमरा काफी तगड़ा होता है, मतलब उस टाइप का कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल टाइप का मतलब ऐसे ठीक ठाक टाइप का होने वाला है। ओके, तो बातें कर लेते हैं फोन का बैटरी के बारे में। दोस्तों फोन का जो बैटरी है ना काफी तगड़ा होने वाला है। यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको देखने को मिलता है USB Type-C और 18W के एक फास्ट चार्जर फोन के बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड करा जा रहा है। यहाँ पे मतलब बैटरी काफी अच्छी होने वाला है। आपको 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, मतलब नॉर्मल यूज में भाई बड़ी आराम से ढाई दिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर एक हैवी यूजर है तो फिर भी फोन का जो बैटरी है ना, दिन भर बैटरी बैकअप दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 18W का चार्जर मिल रहा है, जिसका मदद से फोन का बैटरी को आप जो दोस्तों स्पीडली चार्ज भी कर पाएंगे, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बाद बाकी फोन में आपको सारे का सारे सेंसर देखने को मिल जाता है। मतलब कोई भी सेंसर फोन में आपको मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, मतलब फोन में आप जो दोस्तों दो सिम को और एक एसडी कार्ड को एक साथ में लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी फोन में आपको Wide 1 L1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरा 2 MP का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। साथ में फोन में आपको देखने को मिलता है Android 10 और ColorOS 7.2 का सपोर्ट दोस्तों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। और इस फोन का एक अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस फोन में आपको प्री इंस्टॉल जो बैन एप्स वगैरह है ना, वो सब देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ऐसे में बातें कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों फोन का जो आपका दो वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें एक हो गया आपका 4GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका दाम मार्केट में हमारे इंडिया में 12,990 मतलब ऑलमोस्ट 13,000 रुपया। दूसरा हो गया 6GB RAM 128GB स्टोरेज, जिसका दाम मार्केट में हमारे इंडिया में 15,490 मतलब ऑलमोस्ट 15,500 रुपया। तो ऐसे में ओवरऑल अगर बात अगर इस फोन की दोस्तों, फोन से उतना अच्छा नहीं होने वाला है। मेरा अगर कहना मानेंगे दोस्तों इस फोन से आप थोड़ा दूर रहिए, फायदा में रहेंगे। क्योंकि देखिए फोन का डिस्प्ले अच्छा नहीं होने वाला है। आपको HD प्लस के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे फोन का जो प्रोसेसर है ना बेकार होने वाला है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। कैमरा उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ मिला के दोस्तों, सारी चीज़ मिला के हम लोग ये कह सकते कि भाई इस प्राइस पॉइंट में इससे भी कई गुना अच्छे अच्छे फोन अवेलेबल है मार्केट पे। ओके, तो वो सारे फोन का आपको प्रोसेस करना चाहिए, फोन को प्रोसेस ना करके। क्योंकि भाई देखिए मेन तो होता है प्रोसेसर, वो आपको बेकार मिल रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक का बिल्ड मिल रहा है, स्क्रैच आ जाएगा बहुत जल्दी। तो सारी चीज़ मिला के दोस्तों इस फोन का आपको नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, फोन का बैटरी अच्छा है मैं मान रहा हूँ, फोन का लुक भी अच्छा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन दोस्तों खाली बैटरी और लुक में अगर जाएंगे तो आप मतलब काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में इससे कई गुना अच्छा अच्छे आपको जो है फोन देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो अगर मेरा सलाह मानेंगे तो इस फोन से थोड़ा दूर रहिए। बाद बाकी फोन का काफ़ी तारीफ हो रहा है यूट्यूब में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े चैनल मतलब इस फोन का अनबॉक्सिंग कर चुका है और गिव अवे कर रहा है। और मतलब इस मैटर को लेकर के अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों गिव अवे में क्या क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि भाई इस फोन के बारे में कुछ अच्छे चीज़ें कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट में जाके बताओ, है ना। अच्छी चीज़ें बताने के लिए मतलब बोला जाता है वहाँ पे। मतलब गिव अवे को जीतने के लिए आपको फोन का तारीफ करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कोई भी बंदा अगर कमेंट जाके पड़ेगा तो वहाँ पे खाली तारीफ लिखा हुआ है, क्योंकि भाई सबको गिव अवे जीतना है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई फोन का प्रचार होता रहेगा। तो ऐसे में भाई मतलब एक थिंकिंग बन जाता है कि भाई फोन अच्छा है, लेकिन एक्चुअली फोन अच्छा नहीं है। यह कंपनी का मतलब एक माइंड गेम यहाँ पे खेला जाता है कस्टमर के साथ में। ओके, आप समझ सकते हो। तो हमारा तो भाई बड़ा चैनल नहीं है, छोटा मोटा चैनल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिलेगा जेन्युइन जानकारी मिलेगा। आपको इस फोन से दूर रहना चाहिए। इस फोन के बदले में इस प्राइस पॉइंट में कई सारे अच्छे अच्छे फोन है, आपको सारे फोन को प्रोसेस करना चाहिए। ओके, तो जो भी दोस्तों सर बातें आपसे करनी थी इस फोन के बारे में, जो कि आपको बता चुका दोस्तों, जो भी देखिए जानकारी आपको अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, ऐसे में वीडियो का आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले को, जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो जाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।